नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही हेतु स्टॉप बैंकिंग फ्रॉड नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं उनके सब इंस्पेक्टरों को जोड़ा गया है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड होता है तो वह व्यक्ति तत्काल अपने नजदीकी थाने पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी देगा तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उसके साथ हुए फ्रॉड के पेमेंट को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जानकारी होती नहीं है, वो तत्काल पहले बैंक के पास अपना अकाउंट बंद करने के लिए जाते हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं। तो इसमें काफ़ी समय, और क्योंकि मुख्यालय पे ही ये सुविधा होने की वजह से जो दूर दराज के लोग होते हैं वो यहाँ पर आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से उनका पैसा जो हम लोग फ्रीज कर सकते हैं वो टाइम हमारे से निकल जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो टाइम लैग कम करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिस स्टॉप बैंकिंग फ्रॉड का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस और पुलिस के अधिकारी, हर थाने के थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर या जो भी कोई अधिकारी होगा ASI वगैरह, तो उनको इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लिया गया है। कहीं पे भी अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो मैं इस माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर गुना जिले में आपके साथ कहीं पे भी इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आप तत्काल अपने नज़दीकी थाना प्रभारी थाने पे जाके उस संबंध में सूचना दीजिए और उनको वो तत्काल अपने वो स्टॉप बैंकिंग फ्रॉड व्हाट्सएप ग्रुप पर उसकी जानकारी डालेंगे और हम लोग यहाँ से आपका पैसा अगर कहीं पर गया हुआ है तो उनके नोडल अधिकारी से बात करके उसको फ्रीज कर देंगे। इससे हमें ये सुविधा रहेगी कि अगर आपका कोई पैसा गया भी है, आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो वो पैसा हम लोग फ्रीज करने के बाद में 4-5 दिन में उनसे बात करके वो पैसा रिवर्ट आपके अकाउंट में करवा देंगे। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।